जो पिछले साल जो कार्यक्रम कोरोना शुरू हुआ इसका बच्चों के ऊपर बड़ा कम असर था, लेकिन जो ये दूसरी फेज आई है इसमें बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने लगा और काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों में भी। ये पिछले साल हमने इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखे थे पूरे दुनिया में, पर इस साल बहुत सारे केसेस पूरे हिंदुस्तान में दिख रहे हैं। इसका तो यही बचाव है कि जैसे हमारा नॉर्मल SOPs कोरोना के लिए, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सड़क पे नहीं घूमना, घर में भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं रहना, वेंटिलेटेड रूम में रहना, AC भी सेंट्रल AC ना हो, AC हो तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो, क्लीन हो, उसके फिल्टर क्लीन हो घर में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन। अगर माँ बाप भी घर आके अपने सर्विस पे जाते हैं या काम पे जाते हैं तो घर में साफ सफाई से रहेंगे, जब भी जाते हैं तो घर अपने कमरे में अपने ठीक से कपड़े ठीक से चेंज करके साफ सुथरा रखे, ताकि किसी बच्चे को घर में, जो घर में बच्चे बैठे हैं उनको भी ट्यूशन कम भेज देना, आजकल पार्कों में ना भेजना, सुबह शाम थोड़ा अपने घर में थोड़े से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी है, खेल कूद ज़रूरी है, पर लेकिन अपने घर में ही खेल कूद हो जाए, ज़रा बाहर के बच्चों के साथ ना मिक्स अप हो जाए, स्पेशली जो छोटी मोटी पार्टियाँ घरों में रखते हैं लोग उनको अवॉइड किया जाए, या अगर किसी के घर है तो बच्चों को या खुद भी कोशिश करिए कि कम से कम चला जाए, जहाँ पे मजबूरी ना हो वहाँ पे, या मार्केट में ना मॉल में ना चला जाए, ये इसका एहतियात है ताकि इन बच्चों को हम इस इन्फेक्शन से बचा के रखें। सर अगर लक्षण हो बच्चों में तो किस तरह से लक्षण तो नॉर्मल जैसे लक्षण होते हैं, खांसी बुखार जुकाम ये तो सबसे बढ़िया है, पर आजकल के हालात में किसी बच्चे को लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, बुखार आ जाए, तो उस हालत में हमने ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें कहीं कोरोना ना हो बच्चे में, और ऐसे हालात में हमने इसके जो भी नॉर्मल टेस्ट है RT-PCR वो कराना पड़ता है, बच्चों में भी कराना पड़ता है। सर बात करें जिस तरह से RT-PCR, लेकिन बाहर पेरेंट्स खासकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि बच्चे को हो गया, बच्चों के साथ सब बूढ़े बच्चे भी, ये है कि उनको आइसोलेशन, सिंपल आइसोलेशन, बच्चों को ठीक से समझाया जाए आइसोलेशन, ताकि बाकी दूसरों के साथ मिक्स अप ना हो जाए, इवन वो उल्टा पेरेंट्स को भी देख सकते हैं, उनको भी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे को अगर हुआ तो इसको थोड़ा एहतियात से रखा जाए, और अपना ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा भी ऑक्सीमीटर में लगा के ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम हो गई, क्या सांस फूलना शुरू हो गया, पसलियाँ चलनी शुरू हो गई, बार बार डायरिया हो रहा है, तो टेस्ट करा के इन चीज़ों का, फिर तो ऐसी हालात में फिर हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है बच्चे को। सर नॉर्मल बात करें OPD में किस तरह के बच्चों के लक्षण दिख रहे हैं? बहुत सारे बच्चों के लक्षण वही है कि ये खांसी जुकाम तो बुखार तो नॉर्मल हम वायरल फीवर में देखते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का वायरस है, पर हाँ कभी कभी कभार इन सिम्टम्स के बगैर डायरिया भी, वॉमिटिंग भी, बार बार उल्टी हो जाए, बार बार टटियाँ लग जाए, उस हालत में भी बच्चे को ये कोरोना ध्यान में रखना पड़ता है कि कोरोना तो नहीं है।